पर्सन अगर कोई भी बात कहता है, आई हैव अप्लाइड फॉर द जॉब, यानी आई के साथ हैव लगा हुआ है, ठीक है, आई के साथ हैज कभी नहीं आता है, एंड वी के साथ भी हैज कभी नहीं आता है. अगर इसी का प्लूरल बनाना होता है तो देखिए, वी हैव अप्लाइड फॉर द जॉब, ठीक है. अगर इसी चीज़ का अगर आपको सेकंड पर्सन अफर्मेटिव कहता है तो सेकंड पर्सन में आई की जगह यू हो जाएगा. अगर थर्ड पर्सन कहता है तो ही शी हो जाएगा, इट हो जाएगा, और या फिर दे हो जाएगा, ठीक है. उसके बाद देखिए नेगेटिव में, नेगेटिव में क्या करना है, जो आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो आपने लगाना है, उससे पहले आप नोट ऐड कर दीजिए. यही चीज़ आती है. देखिए जैसे हम क्या करते थे, आई एम नोट, एम के बाद नोट लगता था ना, तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट लगेगा, हैज हैव के बाद ही आपका नोट लगेगा. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस फॉर्म ऑफ थर्ड वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट. ये चीज़ हम पहले भी ये फॉर्मूला कर चुके हैं, बट वहाँ पर हमने क्या किया था, इज एम आर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो यहाँ पर हमारे पास परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसीलिए हैज हैव आएगा. ऑल राइट, अब देखिए नेगेटिव में क्या आएगा, आई हैव नॉट अप्लाइड, यू हैव नॉट अप्लाइड, शी हैज नॉट अप्लाइड. क्लियर है, हैज किसके साथ लगा है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा आप. क्लियर, इसी तरीके ऐसे क्वेश्चन मार्क होगा, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो आपकी क्या होगी, वो सबसे पहले आ जाएगी और बाद में सब्जेक्ट आएगा, यानी सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं. हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉर्म ऑफ फॉर्म की थर्ड वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट. हैव यू डन योर वर्क, मतलब मान लीजिए अगर मैं सेंटेंस चेंज करके बोलती हूँ, हैव यू डन योर होम वर्क, मतलब क्या तुमने अपना काम कर लिया है, ठीक है. अगर मान लीजिए इसमें मैं देखती हूँ तो क्या है क्वेश्चन में, इंटरोगेशन, हैव आई अप्लाइड फॉर द जॉब, क्या मैंने अप्लाई किया है जॉब के लिए. तो जहाँ पर आप इंटरोगेट कर रहे हैं वहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क, और जिससे बाकी चीज़ें चेंज होती हैं वो हो जाती हैं. सिंपल सी चीज़ें हैं, आपको जस्ट क्या करना है, आपको सारे जो रूल्स हैं वो याद रखने हैं. तो आज आपको इस पे वर्कशीट नहीं मिल रही है, आपने क्या करना है, वर्कशीट जो मैं कॉन्टीन्यूस की दे रही हूँ वो कम्प्लीट करनी है, और ये क्या करना है, इससे रिलेटेड आपने 5-5 सेंटेंसेस बनाने हैं. ऑल राइट, इसके बाद इसको नेक्स्ट जो आपका वर्किंग क्लास होगी उसमें आपको इसकी वर्कशीट मिल जाएगी. एंड जो वर्कशीट पहले करवा दी गई थी उसकी आंसर की भी मैं सेंड कर रही हूँ. ये मत कहिएगा कि मैम ने आंसर की सेंड ही नहीं किया, आप चेक करिए अच्छे से पीडीएफ को. हर एक वर्कशीट सेंड करके नेक्स्ट डे मैं उसके आंसर की सेंड कर देती हूँ. तो 8th क्लास आप तो अपनी बुक में इसको फिल करिएगा, 9th एंड 10th क्लास आपने अपनी रफ नोटबुक पर इसकी वर्कशीट के आंसर लिखने हैं, फिर उन आंसर्स को टैली करना है कि क्या आपको ये समझ में आ रहा है. ऑल राइट,